नमस्कार, मां अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान का पारंपरिक मोगरी का चूरमा। मैंने यहाँ पर 3 कप आटा लिया है, 1/4 कप मैंने घी लिया है और यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून दूध लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। अब सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून दूध लिया था पर वो थोड़ा कम रह गया तो मैंने दो टेबलस्पून और ऐड किया था, तो टोटल मैंने 6 टेबलस्पून दूध का यूज़ लिया है। हमें आटे को मसलना है, ना कि उसे गूंथना है। इस तरीके से हम धीरे धीरे हाथों से मसलेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरीके से जमा देंगे जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी ली है और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अब गैस ऑन करके चाशनी को हम चम्मच से चलाएंगे। मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, किशमिश ली है, नारियल का बूरा है ये, और 2-4 इलायची ली है। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। हमें चाशनी को 2-3 मिनट तक पकाना है जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए। अब हम चाशनी के अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम मोगरी को छलनी के अंदर डाल देंगे और उसे छानेंगे। अब हम इसे हाथ से इस तरीके से छान लेंगे जैसा वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। हमने मोगरी को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। अब चाशनी के अंदर हम बादाम की कतरन डाल देंगे और काजू की कतरन डाल देंगे और किशमिश डाल देंगे और नारियल का बूरा डाल देंगे। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अब इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मोगरी को सेकेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे 2-3 मिनट के लिए। इसके अंदर हमने घी नहीं डाला है कढ़ाई में। इसको सेकने में हमें तकरीबन 12 से 13 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हमें लो फ्लेम पर सेकना है और उसके बाद हम इसे मीडियम आंच पर सेकेंगे। अब ये अच्छे से सेक चुका है तो हम इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसमें चाशनी मिलाएंगे। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, अब हमारा मोगरी का चूरमा बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको सेकते टाइम लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे और बाद के 2 मिनट है उसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे।
अब ये बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये एकदम खुला खुला बना है, आप देख सकते हैं। तो आज की ये राजस्थानी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।